नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी भरे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपने फील किया होगा कि हम जब भी अपनी गाड़ी का रिवर्स गियर लगाते हैं तो वो टाइट लगता है, या कई बार अटक जाता है, या फिर कई बार लगता ही नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि रिवर्स गियर लगने के बाद गाड़ी को जब हम रिवर्स करते हैं तो एक अजीब टाइप की आवाज़ भी आती है, और हमें ये लगता है कि कहीं हमारी गाड़ी के गियर बॉक्स में या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो इस तरह की आवाज़ हमारी गाड़ी का गियरबॉक्स या इंजन कर रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि रिवर्स गियर में ये सब चीज़ें अगर आप फेस करते हैं तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, और क्या ये एक प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ कि गाड़ी को बिना स्टार्ट किए भी जब हम गियर लगाते हैं ना, तो अगर मैं क्लच को नहीं दबाता तो गियर थोड़ा सा टाइट लगता है। अभी तो सॉफ्टली लग गया, क्योंकि इससे पहले मैं जब लगा रहा था ना तो थोड़ा सा टाइट लग रहा था। और जब हम गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी रात भर खड़ी हुई है या लंबे समय से खड़ी हुई है, और फिर रिवर्स गियर लगाते हैं तो कई बार गियर अटकता है और लगता भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर हमको फर्स्ट गियर में गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ानी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर गियर नहीं लग रहा है, रिवर्स गियर नहीं लग रहा है, एंगेज नहीं हो रहा है, तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, उसके बाद लगाइए तो लग जाएगा। तो इस तरह से कई बार आपको रिवर्स गियर लगाना होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, और साथ में रिवर्स करते समय गाड़ी के इंजन में से या फिर गियर बॉक्स में से जो आवाज़ आती है वो क्यों आती है, वो ही मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो आवाज़ आती है दोस्तों, वो इंजन से नहीं आती, गियर बॉक्स से ही आती है, पहली चीज़। अब जो रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि जो रिवर्स गियर होता है वो स्लाइडिंग मैस होता है, और जो फॉरवर्ड गियर गाड़ी के होते हैं वो सिंक्रोमैस होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, स्लाइडिंग मैस क्या होता है और सिंक्रोमैस क्या होता है, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मेरी गाड़ी में 5 गियर हैं, जिसमें से 5 फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स गियर है, यानी कि टोटल 6 गियर हैं। अब इसमें जो 5 फॉरवर्ड गियर हैं उनकी जो गरारी होती है, गियर की जो गरारियाँ होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती है। फर्स्ट गियर की छोटी होती है, सेकेंड की बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह की होती है। और उसके ऊपर जो टीथ होते हैं बहुत सारे, जो कि मेन शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं, और जो मेन शाफ्ट है वो इंजन से आ रही होती है, तो वो जो शाफ्ट होती है उसमें जो टीथ होते हैं वो तिरछे होते हैं, और साथ में जो फॉरवर्ड गियर होते हैं उसके जो टीथ होते हैं वो भी तिरछे होते हैं। इसको बोलते हैं सिंक्रोमैस, ठीक है। और जब हम गियर लगाते हैं तो बड़ी ही ईजिली गियर लग जाते हैं, तो उसके पीछे का यही कारण है कि तिरछे टीथ होने की वजह से गियर आसानी से लग जाते हैं और कोई आवाज़ नहीं आती। जबकि जो रिवर्स गियर होता है वो सिंक्रोमैस नहीं होता, स्लाइडिंग मैस होता है, जिसके कारण गियर टाइट लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि रिवर्स गियर भी सिंक्रोमैस क्यों नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड गियर जो होते हैं ना दोस्तों, फर्स्ट गियर तो हम नॉर्मली लगा लेते हैं खड़ी गाड़ी में, ठीक है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो जब हम गियर लगाते हैं, जैसे कि सेकेंड गियर लगाया, थर्ड गियर लगाया, तो चलती हुई गाड़ी में ही लगाते हैं अपन, ठीक है। तो उस दौरान दोस्तों जो सिंक्रोमैस गियर होते हैं, यानी तिरछे टीथ वाले जो गियर होते हैं, वो तुरंत ही लग जाते हैं। जबकि जो प्लेन टीथ वाले गियर होते हैं, जो कि रिवर्स में होते हैं, जिसे हम स्लाइडिंग मैस बोलते हैं, तो वो जब हम लगाएंगे चलती हुई गाड़ी में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी और गियर अटकेगा। तो इसीलिए दोस्तों उस गियर को रिवर्स में रखा गया है और फॉरवर्ड गियर आपके तिरछे टीथ वाले यानी कि सिंक्रोमैस रखे गए हैं। और आपने देखा होगा जब भी हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो चलती गाड़ी में तो लगाते नहीं है, गाड़ी रुकी होती है उसके बाद ही लगाते हैं, और गलती से गाड़ी आगे थोड़ी जा रही है और हमने क्लच दबा के रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की तो आपको एक आवाज़ आती है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है। तो ये एक जानकारी है रिवर्स गियर के बारे में। आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स गियर सभी गाड़ियों का टाइट लगता है या फिर अटकता है, या फिर गाड़ी को रिवर्स करते समय गाड़ी आवाज़ करती है, और वो आवाज़ आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स में से आती है। और आपने देखा होगा अगर आप रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को और थोड़ी स्पीड में रिवर्स कर रहे हैं तो ये आवाज़ बढ़ती जाती है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है। तो उम्मीद है अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।